राम राम जी। सारा ने मैं हूँ थारो दोस्त पंकज सुथार, और फिर देखने लग रहे हो थारो मनपसंद यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज फार्मिंग एक्सपर्ट। दोस्तों आज मैं आयो हूँ गांव चौधरीवास, जो कि हिसार जिला को एक गांव है, और अठे खड़े हूँ मैं। यो जो रोड जान लग रही है पनिहार, और वो जो रोड जान लग रही है यो चौधरीवास गाँव का नहीं जान लग रही है। तो उरे थे सामने देखने लग रहे हो फौजी कैटल फीड। आज की टाइम में जो पशुपालक भाई है, जो भी डेयरी फार्म करने लग रहे हैं, जो भी दोस्त, तो बांगे लिए एक सारों बड़ी समस्या आवे कैटल फीड की, यानी कि पशु आहार की। तो पशु आहार में अगर बात करा पा तो खड़ बिनोला की किसान की सबसे ज़्यादा डिमांड हो पशुओं खातर। और अगर बीह खातर भी बात कर ले आप क्वालिटी की, तो कई बार किसान ने पशुपालक ने पशु आहार के लिए क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए। तो आज मैं थाने लेके आया हूँ गाँव चौधरीवास हिसार के अंदर फौजी कैटल फीड। पूरे थाने एकदम बढ़िया क्वालिटी की जो खल है वह मिलेगी, बिनोला खल और बिनोला तेल, सरसों खल, सरसों तेल, जितना भी आइटम है वह थाने उरे मिलेगा। सामने थे देखने लग रहे हो जो बिनोला की खल है वह अभी बनन लग रही है, और आज आप जाना हाँ कि आ बिनोला की जो खल है, बिनोला की खल बनाने की जो प्रक्रिया है वह ये चीज़ है सारी चीज़। सामने बिनोला वो भंडार के देखने लग रहे हो, गोरियाँ लग रही है बिनोला की, और ये भाई साहब है ये बिनोला गिरन लग गया है। जो जो सामने के चैम्बर देखने लग रहे हो, ए चैम्बर का माँ बिनोला का ले जाए, और ए चैम्बर हूँ ए एलिवेटर बोला है ना, एलिवेटर हो गए ए बिनोला ऊपर पहुँचेगा बैठे। सामने जो थे केटली टाइप में देखने लग रहे हो, इन्हें केटली बोला है, केटली का माँ जो बिनोला है वह अंदर आ जाएगा, और केटली के थ्रू यह बिनोला या जो पाइप लग रही है ए पाइप के थ्रू ए चैम्बर में आएगा, और ए चैम्बर में आए बाद में अठे जो प्रोसेस है बिनोड़ा तेल बनगी और खड़ बनगी वह जो प्रक्रिया पूरे स्टार्ट हुआ है। और नीचे जो थे देखने लग रहे हो जो करो बिनोड़ा हूँ तेल है, और खड़ एक साइड में निकलने लग रही है बिनोड़ा की खड़। ऐ खड़ की थाने एक खास बात बताऊँ कि आमतौर पर कई बार जो कारोबारी है जन भी भाई मशीन लगा रखी है, कुछ भाई सारा को नहीं लेकिन कुछ भाई एक ईसा हुआ है जो ऐ खड़ ने भी दोबारा एंग माँ डाल के और दोबारा में वो तेल निकालते हैं, तो ए खड़ की जो क्वालिटी है वह और भी कम हो जाए। अब ए खड़ की थाने क्वालिटी दिखाऊँ देखिए, लगभग बात करा मोटी की तो एक आंगड़े की मोटाई है, और प्योर एकदम फ्रेश खड़ तैयार होने लग रही है। कोई भी किसान भाई अगर खड़ देना चाहे तो वो उरू लेके जा सके, आपके सामने भी निकलवा के लेके जा सके। ये जो खड़ है सारी ये पटम होगी और यह सारी नीचे पड़ने लग रही है, तो ताज़ा खड़ बनने लग रही है किसान के सामने, पशुपालक के सामने खड़ बनेगी और पशुपालक के सामने ही खड़ तैयार होगी। तो कोई भी डाउट की स्थिति कोनी, कोई भी मिलावट की स्थिति कोनी। अब बात कर लें तेल की, तो जो वो तेल बढ़ते देखने लग रहे हो बिनोड़ा वो तेल निकलने लग रही है, वो तो तेल अटू ए पाइप में होगी और डायरेक्ट अटे ए स्टोरेज में माई इकट्ठा होने लग रहा है, और ए स्टोरेज में यो तेल आ पाइपों के द्वारा या मोटर लग रही है सामने, ए पाइपों के द्वारा यो स्टोरेज में तेल उठाए जागो और एन बोले रिफाइनरी, ए रिफाइनरी के अंदर इकट्ठे हो गए। अठे जो तेल ने साफ करने की प्रक्रिया है वह प्रक्रिया उड़े शुरू होगी, और जब वो तेल साफ हो जाएगा तो वो तेल एक कानी जो अलग स्टोरेज बना रखी है बटो वह स्टोरेज का माँ शिफ्ट कर देगा। यह जो प्रक्रिया थे सामने देखने लग रही हो यह है बनोड़ा खड़ बनानगी और तेल निकालने की। अगर बात कर लें काफ़ी किसान भाइयों को या फिर पशुपालकों को एक क्वेश्चन है कि लगभग एक क्विंटल बिनोड़ा गमा कितनी खड़ निकल, लगभग एक क्विंटल बिनोड़ा गमा लगभग 10 किलो तेल निकल जाएगा और लगभग 85-87 किलो तक खड़ पड़ जाएगी, और 2-3 किलो लगभग वह जो वेस्टेज है और कुछ सूख जाए तो वह भी वजन कम हो जाए। या सामने थे देखने लग रहे हो या पैकिंग करके धरती बही खड़गी जो सामने वह अब ताज़ा निकलन लग रही है, बही खड़गियाँ सामने पैकिंग करके दे दी, प्रत्येक कट्टा को वजन लगभग लगभग 50 किलो। अगर कोई भी साथी उरू खड़ लेके जाना चाहे तो पैकिंग वो भी लेके जा सके, और अगर पैकिंग उन्हें लेके जावे तो कोई पैक भी करवा के लेके जा सके। मैंने एक बार फिर जो जगह वो नाम और पतो है वो बता दूँ, पतो दिखन लग रही है फौजी कैटल फीड। यहाँ पर चूरी खंडा व संतुलित पशु आहार
जो भी जितना भी आइटम है पशु आहार के संबंधित वह सारा मिलेगा। पनिहारी रोड वो इन्हें पनिहारी रोड है और इन्हें चौधरीवास गांव को रोड है। चौधरीवास गांव और हिसार जिला ऊपर जो मोबाइल नंबर है वह भी थाने दिखने लग रहे हैं। अगर कहने भी भाई ने स्टॉक चाहिए, अगर बड़ी मात्रा माल चाहिए तो वह भी आ नंबर पर फ़ोन करके और घरे मंगवा सके। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक सारा किसान भैया, सारा पशुपालक भैया ने राम राम, जय जवान, जय किसान, जय किसानी।